Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड, आज हमारे पास है टेक्नो का i3। दोस्तों, इस मोबाइल में रिंगर जो है वो ठीक ठाक होने के बावजूद भी इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इसका जो सोल्यूशन आज हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम आपको बताएंगे इसके जो सप्लाई हो कहां पर जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहे। हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया है दोस्तों, ये रिंगर के दो पॉइंट है दोस्तों। हम आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों, दोनों रिंगर के पॉइंट यहाँ पर आते हैं और यहाँ से होकर रिंगर को मिल जाते हैं। यहाँ पर आता है दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर आता है। वो ऊपर का जो कनेक्शन का बेल्ट दिख रहा है, वहाँ से वो सप्लाई होती है। आप डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं अगर आपकी ऊपर का डैमेज हो जाता है तो। अब हम मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर रीडिंग चेक कर लेंगे। रीडिंग एक पॉइंट पर आ रहा है और दूसरे वाले जो पॉइंट है वहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं एक प्रोब जो है हमारी वो ग्राउंड को लगी हुई है। अभी हम दोस्तों ये आईसी का जो कवर है वो हटा देंगे और इसके नीचे जो आपको दिख रहे हैं दो रेजिस्टेंस लगे हैं। तो रजिस्टर पर आपको सप्लाई आती है, वहाँ से सीधे रिंगर की सप्लाई यहाँ पर आती है बेल्ट से होकर। अगर आपका बेल्ट डैमेज हो जाता है या वाटर डैमेज हो जाता है तो आपकी रीडिंग नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से सीधे जंपर रिंगर को कर सकते हैं, या तो फिर आप ये जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर भी कर सकते हैं, या रिंगर पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ा सा हटा के दिखा देंगे। ये देखिए, ये दो रजिस्टर दिख रहे हैं आपको बड़े वाले, यहाँ पर उसकी सप्लाई आती है दोनों पॉइंट की। यहाँ से आप सीधे जंपर यहाँ पर कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट रिंगर को भी दे सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। आप मल्टीमीटर से चेक करके देखना है कौन सा जो रीडिंग कहाँ पर आ रहा है, कौन सी सप्लाई आ रही है या कौन सी सप्लाई नहीं आ रही है। जो सप्लाई नहीं आ रही है वो डायरेक्ट जंपर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।